गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी पर हिंदू संगठन के युवाओं द्वारा पुलिस को सूचना देकर सन्ना पुलिस और हिंदू संगठन के युवाओं द्वारा सन्ना से लगे गट्टी गांव में जंगल में दबिश देकर 9 मवेशियों के साथ 2 तस्करों को धर दबोचा गया है। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र में रविवार को एक वृद्धा की अर्धनग्न लाश मिलने से सनसनी फैल गई। वृद्धा की लाश उसके घर पर जमीन पर पड़ी हुई थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच में पुलिस ने अनुमान जताया कि वृद्धा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। जामुल पुलिस को ट्रक ड्राइवर से मोबाइल छीनकर भाग रहे आरोपी को पकड़ने में दोहरी सफलता मिली है। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि उन्होंने आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए वैशाली नगर थाना क्षेत्र से ऑटो चोरी किया था। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में महिला से दिनदहाड़े लूट हो गई। वो अपनी बच्ची को देखने बाहर आई थी। इसके बाद वह रास्ते के किनारे झुककर बच्ची से बात कर रही थी। इतने में आए बाइक सवार युवक ने उसके गले से सोने के हार को झपटा मारकर लूट कर भाग निकले। बिलासपुर सिटी कोतवाली पुलिस ने घर में हुए धार्मिक कार्यक्रम के दौरान अलमारी से लाखों रुपए की जेवर पार करने वाली महिला को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी किए गए सोने के हार, कान की कसौटी, इयररिंग, मांगटीका, कुल 12 तोला सोना, कीमत लगभग 6 लाख रुपए का सामान बरामद किया गया है। इम्फाल में हुए लैंडस्लाइड की चपेट में आने से नेहरू नगर भिलाई निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे शहीद हो गए। 107 बटालियन गोरखा राइफल्स मणिपुर में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे मणिपुर के नोनी जिले के तुपुल में रेलवे ट्रैक व स्टेशन के निर्माण स्थल पर एक बड़े भूस्खलन के बाद से लापता हो गए थे। रविवार को उनका शव बरामद कर लिया गया। वे न्यू प्रेस क्लब ऑफ भिलाई नगर की अध्यक्ष भावना पांडे के भाई थे। कोरबा जिले के दीपका थाना क्षेत्र स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के रोशन विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने वाले बिहार निवासी अमर सिन्हा की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में मिली। दीपका थाना पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। राजधानी रायपुर के सड्डू निवासी परमेश्वर धीवर को अपने मामा के घर जाना महंगा पड़ गया। कार सवार बदमाश युवक ने परमेश्वर का अपहरण कर बेदम पिटाई की। इसके बाद शरीर पर चाकू से कई वार कर फरार हो गए। विधानसभा थाना पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरगुजा जिले के दरिमा तहसील के अंतर्गत ग्राम परसोड़ी खुर्द सीमा में लगे तहसील अंबिकापुर के ग्राम बरढोड़ी में रविवार को बालू से भरी हुई ट्रैक्टर जिसमें 5 लोग सवार थे उसके पलटने से 3 लोगों को गंभीर चोटें आई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूरजपुर थाने की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 किलो गांजे सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। रविवार को थाना सूरजपुर की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम पर्री में घेराबंदी कर साइकिल सहित गोविंद यादव को पकड़कर उसके कब्जे से 2 किलो मादक पदार्थ गांजा कीमत करीब 40,000 रुपए जब्त किया गया। सूरजपुर जिले की भटगांव थाना पुलिस ने गांव के मुख्य मार्ग में खुलेआम धारदार हथियार लहराकर लोगों को धमकाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। राजनांदगांव कोतवाली थाना पुलिस ने पीएम आवाज दिलाने के नाम पर लोगों से 25,000 रुपए लेकर धोखाधड़ी करने वाले महिला पिंकी राधा टाटे व पुरुष कुंज बिहारी दास बैरागी को प्रार्थी द्वारा की गई शिकायत के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। कोरबा जिले में दीपका थाना क्षेत्र स्थित एसीबी कंपनी के वर्कशॉप में डकैती करने वाले एक नाबालिग सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने कंपनी के 2 गार्डों को चाकू एवं राड दिखाकर डरा धमकाकर जान से मारने की धमकी देकर वर्कशॉप का ताला तोड़कर इलेक्ट्रिक मोटर 90 केवी एवं 130 केवी में लगे कुल 82 किलोग्राम का कॉपर वायर कॉइल को चोरी कर ले गए थे।
कोरबा जिले की पसान थाना पुलिस ने दर्रीपारा से एक 6 साल के बच्चे से अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी नरेश कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। कवर्धा जिले की चिल्फी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गांजा तस्करी करते 2 अंतरराज्यीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से i10 कार, 25 किलो 380 किलोग्राम गांजा, 3 नग मोबाइल व नगद रकम 400 रुपए जब्त की गई है। बिलासपुर की सरकंडा पुलिस ने शहर के अलग अलग जगह से बाइक चोरी करने वाले एक शातिर चोर को पकड़कर उसके कब्जे से 5 अलग अलग बाइक को बरामद किया गया है। आरोपी दुर्गेश कुमार साहू अलग अलग बाइक बदलकर घूम रहा था, जिस संदेह के आधार पर घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। बलरामपुर जिले में पिछले 2 वर्ष से महंगी लग्जरी वाहनों से बकरा बकरी चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 2 चार पहिया वाहन सहित एक अन्य सामान बरामद किया गया है। कोरबा जिले के उर्गा थाना क्षेत्र अंतर्गत सेमीपाली गांव में 1 साल पहले हुए सुने मकान से की गई चोरी के मामले में उर्गा थाना पुलिस ने एक महिला समेत 3 आदमियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से बाइक और 8,950 रुपए नगद समेत सामान बरामद किया है। जगदलपुर कोतवाली व दरभा थाना क्षेत्र में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर एवं सिम बंद होने की बात कहकर दोबारा चालू करने के लिए वेरिफिकेशन के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को बिहार से गिरफ्तार कर उनके पास से 3 लैपटॉप, 18 मोबाइल, 1 टैब, 9 एटीएम कार्ड, 38 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। धमतरी जिला के ग्राम पंचायत खरेंगा में रेत के अवैध उत्खनन के दौरान नर कंकाल मिलने से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया। मजदूर व रेत माफिया वहां से भाग निकले। ग्रामीणों को घटना की जानकारी होने पर रेत के अवैध उत्खनन का जमकर विरोध किया गया। गांजा तस्करी के मामले की जांच कर रही जसपुर जिले की तपकरा पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में पकड़ाई पिकअप के मालिक को सरगुजा जिले के गांधीनगर से गिरफ्तार कर लिया है। जसपुर जिले की दुदुला पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने घर से बाइक उड़ा ली थी। बताया गया कि प्रार्थी अपनी बाइक को खड़ी करके घर के अंदर किसी काम से गया, वापस लौटा तो बाहर से बाइक गायब थी। जसपुर जिले के फरसाबहार थाना क्षेत्र में अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा देकर दूसरी लड़की से सगाई की तैयारी कर रहा युवक गिरफ्तार हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से वादा किया था कि वह किसी भी हाल में उससे शादी ही करेगा। यही कहकर उसने 3 साल लड़की से शारीरिक संबंध बनाया था, मगर अब उससे शादी करने से इनकार कर दिया। दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के व्यापारी से करीब 75 लाख रुपए की ठगी करने वाले बिहार के व्यापारी को दंतेवाड़ा जिले की गिदम थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के रायपुर मुख्यालय में पदस्थ सहायक अभियंता शिल्पा चंद्राकर द्वारा बीते 14 जून को अपने पंसील नगर बोरसी दुर्ग स्थित ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में पदनापुर चौकी पुलिस ने मृतका के डॉक्टर पति, सास और 1.5 साल से गिरफ्तार किया है। बालोद जिले के डोंडी दल्ली मार्ग पर खैरवाई गांव के आगे खड़े ट्रक से टकराने से स्कूटी चालक की मौत हो गई। वहीं पीछे बैठे युवक का एक पैर टूट गया है। उनका इलाज भिलाई के अस्पताल में किया जा रहा है। राजनांदगांव शहर के लालबाग थाना क्षेत्र में रविवार की रात से घर लौट रहे एक व्यापारी पर लूट की नीयत से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। व्यापारियों द्वारा शोर मचाने पर दोनों आरोपी धारदार हथियार से हमला कर मौके से फरार हो गए। घटना में व्यापारी गणसांगी की रीढ़ की हड्डी व अन्य जगहों पर गंभीर चोटें आई हैं। व्यापारी की स्थिति नाजुक बताई जा रही है।
अंबिकापुर से उसलापुर आ रहे जांजगीर चांपा जिले के आबकारी उपनिरीक्षक के साथ ट्रेन में चला रहे स्कॉट टीटी ने बदसलूकी करने से मना करने पर मारपीट की। इस विवाद और चीना झपटी में यात्री की बहन का पर्स और गले से सोने के चेन चोरी हो गई। रविवार की रात को कोनी आईटीआई गेट के पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दो छात्रों पर अज्ञात युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। घायल छात्रों ने इसकी जानकारी अपने दोस्तों को दी। इसके बाद छात्र संगठन एबीपी के सदस्यों ने थाने में हंगामा मचाना शुरू कर दिया। बिलासपुर जिले के उसलापुर रेलवे स्टेशन के सामने एक युवक ने एक्टिवा खड़ी करने की बात को लेकर योग शिक्षक की पिटाई कर दी। जब वे बचने के लिए रेलवे स्टेशन के अंदर चले गए तो आरोपियों ने एक्टिवा को लाठी से मारकर तोड़ दिया।